आप कह रहे हैं बीजेपी की ए टीम है और बीजेपी की बी टीम है। ए टीम तो कैलाश चौधरी जी है, हाँ उसी पर, और वो माफी मांग चुके हैं अपने आप को चुनाव के लिए। तो दो हैंडपंप ही मिले, दो हैंडपंप मिले बिल्कुल सही कहते हैं, दो नहीं मिले 22 बड़ी संख्या में उनके साथ हैं बताया जा रहा है, मूल ओबीसी साथ है, उसका क्या कारण मानते हैं? मूल ओबीसी और युवा की बात करें तब तो इनकी मंशा सिर्फ चुनाव लड़ने की है, ना तो मूल ओबीसी को फायदा पहुंचाना, ना ही कोई ओबीसी को फायदा। ये भाषण आप सुने होंगे, कह रहे थे चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव में आपने चुनौती क्यों दी? आप कहते मैं 24 की बात करूँ। हमारे साथ आज हैं मेहमान बाड़मेर जैसलमेर के युवा नेता और पीसीसी के सेक्रेटरी लक्ष्मण गोदारा। लक्ष्मण जी स्वागत है राजस्थान चौक में आपका। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही है, लगातार आप कैंपेन में व्यस्त रहे और कैंपेन में हमेशा आगे नजर आए, लेकिन शांत मन से आप कभी मीडिया की नजरों में नहीं आते हैं और ज्यादा आगे नहीं आते हैं, कैसा अनुभव रहा इस चुनाव कैंपेन? काफी समय से लगे हुए थे, गले के अंदाज से लगा सकते हो गए कितनी रैलियां और कहाँ कहाँ प्रोग्राम हुए, खाना पीना टाइम पे नहीं हुआ। काफी अच्छा रहा है, जैसे चुनाव शुरू हुआ और कैंपेनिंग खत्म हुई तब तक बहुत चुनाव आगे तक पहुंच चुका है। हमारे सामने दो प्रतिनिधि है, एक बीजेपी की एक टीम है, एक बी टीम है, दोनों के हौसले अपस्त हो चुके हैं और कांग्रेस आने वाले समय में जीतेगी। खास क्या अनुभव रहा? आप कह रहे हैं बीजेपी की ए टीम है और बीजेपी की बी टीम है, इसको थोड़ा समझाइए। ए टीम तो कैलाश चौधरी जी है ही, हाँ उसी बल पे, और वो माफी मांग चुके हैं अपने आप को चुनाव में पहले पीछे रख। बी टीम के अंदर रविंद्र सिंह की पार्टी है जो शीर्ष विधायक है जी, तो उनका जो 3 महीने पहले बने उन और भी पहले से काफी समय पहले से जानता हूँ यूनिवर्सिटी में जी, तो वो काफी बोलने में अच्छे दबंगता से बोलते हैं, परंतु उनकी नीतियाँ अगर और उनके काम किए गए देखे तो उनसे पता चलता है कि इनकी नीयत क्या है। अब ये बात कर रहे हैं कोई सामाजिक तौर पे जी, अपने हिम्मत की, अपने स्वाभिमान की या किसी हक की बात कर रहे हैं जी, तो मैं कहना चाहता हूँ आपको विवेक जी, आपने भी एक ट्वीट किया था मैंने पढ़ा था जी, और ये सबको पता है दो जिलों के अंदर अग्रिम के समाज के 4 विधायक और आज के समय में सरकार बीजेपी की है और वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। रविंद्र सिंह खुद भी काफी ट्राई किया, बीजेपी फॉर इंडिया लिखते थे, वो लिखते भी थे और उन्होंने कोशिश भी की, उनका सेटलमेंट हुआ नहीं, तो इन्होंने इस गुस्से में या अपने आप को बीजेपी को दिखाने के लिए चुनाव लड़ा। वो तो कहते हैं कि दो हैंडपंप ही मिले, दो हैंडपंप मिले बिल्कुल सही कहते हैं, दो नहीं मिले 22 मिले शिव के लिए, परंतु 22 मिले है, परंतु इनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ये 22 लेके आए। इनके प्रतिनिधि थे तो बीजेपी से चुनाव लड़े थे स्वरूप सिंह खारा, 20 वो लेके आए, 2 ये लेके आए, इससे ये अंदाज लगा सकते हो कि इनकी राजनीति में पकड़ कितनी है, सरकार के अंदर पकड़ कितनी है और ये कितने काम करवा सकते हैं। जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो 20 लेके आ रहा और ये 2 लेके आ, तो ये अपनी विफलता नहीं दिखा रहे, वो उसकी खुन्नस और उसका गुस्सा इस चुनाव के द्वारा जनता को बेवकूफ बना के वोट लेना चाहते हैं। युवा बड़ी संख्या में उनके साथ हैं बताया जा रहा है, मूल ओबीसी साथ है, इसका क्या कारण मानते हैं? मूल ओबीसी और युवा की बात करना, एक तो युवा है कोई दो राय नहीं, युवा है, मैं भी खुश हुआ जब वो एमएलए बने, चाहे हमारे विचारधारा अलग है, हमें लगा कुछ न कुछ नई ऊर्जा के साथ ही काम करेंगे, शिव का विकास करेंगे, युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे, परंतु इनकी मंशा सिर्फ चुनाव लड़ने की है, ना तो मूल ओबीसी को फायदा पहुंचाना, ना ही कोई ओबीसी को पहुंचाना और ना ही SC ST या ना ही माइनॉरिटी को। अगर ये अगर इतनी बात है इनका पीछे का यूनिवर्सिटी का इतिहास बता दे, कोई भी मूल ओबीसी के प्रत्याशी या कोई भी मूल ओबीसी के आदमी को इन्होंने आगे बढ़वाया जितवाया, आप विश्नोइयों के सामने आपने कैंडिडेट खड़ा कर उनको हरवाया, ऐसे कई उदाहरण हैं। इन्होंने कभी ये सिर्फ स्वतः ही अपने और अपने लोगों के लिए लड़ते हैं और उनके लिए सिर्फ लगा रहे हो कि मूल ओबीसी के लोगों के रविंद्र सिंह पार्टी खिलाफ है। एग्जैक्टली, इन्होंने आरक्षण को लेकर बात की थी, इन्होंने विश्नोई समाज के आरक्षण को लेकर इन्होंने बोला मैं उनके हक के लिए बात करूंगा, अगर बन गया तो बनेंगे नहीं बन गया तो। फिर इन्होंने बात की कि दूसरे बार के मेरिट के आधार पर होना चाहिए, मेरिट के आधार बनती मूल ओबीसी ओबीसी SC ST सबका ही गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अब ये आरक्षण इनकी बात दोहरी बात, इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है और रील्स बना के उनके द्वारा और बातें बातों के अंदर ला के, इनके पास 10 बातों के अलावा ग्यारह बात नहीं, मुद्दे की बात कर लो, इनको पूछ लो क्या बात है आगे करो, विकास की बात कर लो, कुछ बात नहीं।
मुद्दे की बात तो इन्होंने शुरू करी थी, इन्होंने कहा था कि मुद्दों पे बात करने के लिए बहस की चुनौती भी दी थी हरीश चौधरी को। वो देखा होगा आपने, आप ही ने इंटरव्यू लिया था जी, एक स्टूल खाली पड़ा था उसको उसने बात किया, उसके बाद तो वो पूरे बिगड़ गए। उनके भाषण आप सुने होंगे, उसमें कह रहे थे चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव में आपने चुनौती क्यों दी, आप कहते हैं मैं 24 के बाद मिलूंगा, आपने चुनौती तो चुनाव के अंदर दी थी ना, आना चाहिए था। कुल मिला के ये बात है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई टॉपिक नहीं है इस बाढ़ में जैसलमेर के लिए, आने वाले समय के लिए क्या करेंगे, उसके भविष्य को लेकर क्या करेंगे, सिर्फ चुनाव को लेकर सामाजिक मुद्दे बना के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अलावा कोई विजन नहीं है। और इस तरफ एक तरफ जैसे उम्मीदवार राम जी, उनका एक विजन है, उन्होंने अपने निजी आय से शिक्षा के ऊपर खर्च किया, कारण ये था उनके मन में थी पीड़ा थी उन्होंने अपने लोगों को देख, इसलिए खर्च किया उन्होंने, ना कि दिखाने के लिए, दिखाने के लिए तो एक बार खर्चा करके वो दिखा देते, उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई, उन्होंने काम किया, चाहे कोरोना के अंदर जितनी उनके अंदर सामर्थ्य था, जो पैसे थे उनके पास उन्होंने खर्च करके किया, चाहे हमारे प्रतिनिधि थे उस टाइम भाई तू अंदर, परंतु उनका मन और नीत बिल्कुल साफ है। और ऐसे आदमी को चुनेंगे अगर बाढ़ में जैसलमेर, तो आने वाले समय के अंदर जो आज बाढ़ में जैसलमेर 10 साल उसका विकास रुका हुआ था, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवार हमने उसे कहने की। मेरा आखिरी सवाल लक्ष्मण भाई, तो चुनाव के दिन पोलिंग के दिन ट्रैक्टर चलेगा या हेलीकॉप्टर उड़ेगा? पोलिंग के दिन ट्रैक्टर भी चलेगा, मोटरसाइकिलें चलेगी, पैदल आएंगे, हेलीकॉप्टर से हवा में रहेगा, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने वाले ऊपर ऊपर उड़ के चले जाएंगे बाढ़ में जिसमें के अंदर ट्रैक्टर और किसान मिलके आने वाले 4 तारीख को कांग्रेस को जुड़े। आखिरी सवाल, किसानों के नेतृत्व को लेके बाढ़ में जैसलमेर को आप कैसे देखते हैं? किसानों को नेतृत्व को लेके मैं आपको कहना चाहता हूँ, हेमा राम जी का जो अनुभव है, उनका जो संगठन है उसके नेतृत्व में काम करेंगे, हरीश जी की जो सोच विचार है उसके साथ युवा खड़े रहेंगे, और गोविंद डोटासरा जी की जो अभी सक्रियता है, ये मिला के आने वाले समय के अंदर राजस्थान और बाढ़ जैसलमेर का नेतृत्व। शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये थे लक्ष्मण गोदारा, जिन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है रविंद्र सिंह भाटी पर कि रविंद्र सिंह भाटी ने कभी किसी मूल ओबीसी के व्यक्ति या किसी मूल ओबीसी के नेता को आगे नहीं बढ़ाया। इन्होंने यूनिवर्सिटी चुनाव का एक उदाहरण दिया है जहां मूल ओबीसी का कोई व्यक्ति खड़ा था और उसको रविंद्र सिंह भाटी ने हरवाया। देखते हैं रविंद्र सिंह भाटी इस पर क्या जवाब देते हैं, और थार की जनता क्या तय करेगी वो पोलिंग के दिन पता चलेगा और 4 जून को सामने आएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। राजस्थान चौक के लिए मैं विवेक श्रीवास्तव, बाड़मेर से।